मैं आपका स्वागत करता हूँ द हेल्प ट्यूब के एक बहुत ही कमाल को इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो कल ही के वीडियो में हमने बात किया था मॉन्स्टर इवेंट के बारे में पबजी मोबाइल का, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ चेयर पार्क 3.0, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आया है। और सबसे पहले ये देख सकते हो, ये जो स्टैचू है यहाँ पर, आप अपने आप को यहाँ पर माउंट कर सकते हो या कह सकते हो अपने आप को यहाँ पर रख सकते हो। तो जैसे कि देखा आपने, मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं आ गया, और देख सकते हो ये 30 सेकेंड के लिए लगभग रहेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। और यहाँ देख सकते हो मैं मतलब हूँ तो ऐसा लग रहा है मतलब कमाल का लग रहा है और हर कोई देख पाएगा। अब दूसरा अपडेट के बारे में बात करें तो ये छोटा सा ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, और ये ग्राउंड नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इस ग्राउंड में जाते ही आप एक छोटू सा पिद्दी सा चिकन बन जाओगे, और उसके बाद आप बूम बाम कर सकते हो। और जितने भी यहाँ पे चिकन देख रहे हो वो सब के सब नॉर्मल प्लेयर्स हैं, जो कि इसके अंदर आते ही चिकन बन जाते हैं और आपको फाइट लेना है। और यहाँ पे देख सकते हो आपके गन के अंदर दो दो यहाँ पे गोली मिलेगा, और आपको ये जो चिकन एग है वो दूसरे में फेंकना है और उसे मारना है और MVP वगैरह लेने हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी आपको चिकन देखने को मिल रहा है ये सब के सब रियल प्लेयर है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। उससे पहले आप सबके लिए एक क्विक अपडेट है, यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का चाइनीज वर्जन आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया आपको बताते हुए, मैं अपने सेकेंड चैनल पर जैकल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला थंबनेल लगा हुआ है, तो जाओ फटाफट से देखो उसे, उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का चाइनीज वर्जन। अब हम आते हैं पॉइंट पर और इस ग्राउंड के बारे में बात कर देती। यहाँ पे आपको मारना है, और जैसे जैसे आप मारते जाओगे आपका पॉइंट बढ़ते जाएगा और यहाँ पे आप MVP ले पाओगे। आप एक साथ अपने दोस्तों को भी यहाँ पे ला सकते हो और अपने पूरे स्क्वाड के साथ इसके अंदर चिकन बन के खेल सकते हो। और ये जो भैया आप सामने देख सकते हो यहाँ पे, ये भी MVP लेके बैठा हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है ये खेलने में, क्योंकि भाई मैंने खुद खेला है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और मतलब आप एक चिकन बन जाते हो, इतना प्यारा सा गोलू मोलू सा चिकन, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा फन करोगे इस मैच के अंदर। और यहाँ से निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस बाहर की तरफ जाना है और आप फिर से एक नॉर्मल प्लेयर बन जाओगे, और उसके बाद आप अपना यहाँ पे TDM एंजॉय कर सकते हो, मतलब यहाँ पे TDM तो नहीं, पूरा यहाँ पे चेयर पार्क एंजॉय कर सकते हो। अब एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सारे के सारे ग्लोबल वर्जन के अंदर भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अब यदि दूसरा अपडेट के बारे में बात करो तो यहाँ पर आने के बाद आपको खुद को स्कैन करना है, और उसके बाद आप आ जाओगे इस ग्राउंड के अंदर। ये भी एक ट्रेनिंग ग्राउंड का यहाँ पर अपडेटेड वर्जन है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो इजी, नॉर्मल या हार्ड, आपको जो भी ट्रेनिंग करना है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको गन उठाना है, तो एग्जिट पॉइंट भी मैंने आपको दिखाई दिया है, वो सामने जो था लाइट जल रहा था वो एग्जिट पॉइंट था। तो यहाँ देख सकते हो गन कितने ज़्यादा यहाँ पे आराम से और बहुत ही अच्छा से रखा गया है, तो यहाँ से आप अपना गन उठा सकते हो और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कैसा ट्रेनिंग करना है, हार्ड करना है, नॉर्मल करना है, ईजी करना है। तो यहाँ पर आने के बाद ये देख सकते हो बटन चूज करना है, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और सामने की तरफ देख सकते हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट निकलेगा जिस पे हिट इफेक्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ हिट का जो डैमेज होगा वो भी देखने को मिलेगा कि आपने हर एक शॉट के साथ कितना ज़्यादा डैमेज दिया, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि आपका मन भर जाए तो ये है एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आप डायरेक्टली एग्जिट करके अपना नॉर्मली चेयर पार्क के अंदर जा सकते हो अपने दोस्तों के पास। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर बिताते। अब ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और वेल ऑप्टिमाइज है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, और एक एक टेक्सचर और यहाँ पे देख सकते हो गन रखने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है कि हम PUBG PC खेल रहे हैं। ऊपर से जो यहाँ पे देख सकते हो हिट बोर्ड है, ये भी आप देख सकते हो अलग ही तरह का लग रहा है और कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और ये जो छोटा छोटा हिट बोर्ड है, मूवमेंट वाला हिट बोर्ड, ये भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, और ये बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल वर्जन के अंदर। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का बात है, और मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है। आप खुद देखो ये ट्रेनिंग ग्राउंड अभी का करेंट वाला ट्रेनिंग ग्राउंड से कितना ज़्यादा अलग है और कितना ज़्यादा कमाल का है। अभी यदि इस ट्रेनिंग ग्राउंड को इन्जॉय करना है, इस चेयर पार्क 3.0 को इन्जॉय करना है, तो आपको खेलना पड़ेगा गेम 4 पीस, उसके अंदर ये लाइव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट अपडेट
अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हमारा लव पार्क के बारे में। तो ये जो हमारा लव पार्क था या कह सकते हो आप कपल पार्क था, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा चेयर पार्क के एक हिस्से में, बीच वाले हिस्से में। और यहाँ पे देख सकते हैं दिल बना हुआ है, मतलब आपका मतलब गर्लफ्रेंड के लिए दिल बना हुआ है, पता नहीं यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे भी झूला वूला लगाया गया, मतलब जैसे पुराना हमारा चेयर पार्क में है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हो टेक्सचर वगैरह चेंज कर दिया गया है, और ऊपर से यहाँ पे एक बड़ा सा डकी भैया है जो कि आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पानी के अंदर लव पार्क में। तो इसे हम लव पार्क ही नाम देंगे क्योंकि ये लव पार्क की तरह लग रहा है, क्योंकि ये पूरा दिल बना हुआ है, तो हम इसे लव पार्क ही कहेंगे। अब जो भाई नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा झूला, मतलब झूला नहीं झूला, हाँ झूला होता है, तो आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा झूला। तो यहाँ पे आना है आपको चेयर पार्क 3.0 के अंदर, और ये देख सकते हो झूला चल रहा है अपने आप, तो देख सकते हो सामने, और ये टोकन वगैरह आप उठा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा काम का ये टोकन है। और ऊपर से देख सकते हो ये जो झूला है ये गोल गोल घूम रहा है, और यहाँ पर आपको चढ़ना है अपने दोस्त के साथ, साथी के साथ, भाई के साथ, या हाँ आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी इसमें चढ़ सकते हो और फुल मजा ले सकते हो। यदि आप नॉर्मली अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने नहीं जा सकते तो आप सिंपली इस झूला के अंदर आके बैठ सकते हो और मस्त से मजा ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए बस आपको गेम फॉर पीस अभी डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत ही जल्दी ये आपको देखने को मिल जाएगा आपके पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के अंदर भी, तो वो भी एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का बात है। और भाई ये झूला का मतलब क्या ही बात करो, ये बहुत ही बड़ा झूला है और इस पर आप बहुत ही ज़्यादा फन कर सकते हो। ऊपर से मैं एक बात बता दूँ, इस झूला पे बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, मतलब कोई भी दरवाज़ा नहीं है, तो आप यदि नीचे गिरोगे तो आप नीचे ही गिर जाओगे, और मैं आपको गिर के भी दिखाऊंगा। उससे पहले देखो ये जो चेयर पार्क है कितना बड़ा है, मतलब पुराना चेयर पार्क से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और एक बात और, पुराना वाला चेयर पार्क में हर जगह कुछ ना कुछ आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस चेयर पार्क को पूरी तरह से भर दिया गया और हर एक जगह कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड या एक बड़ा सा झूला, रेस ट्रैक, और साथ ही साथ बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे गेम फॉर पीस के पास, जो कि इतना ज़्यादा फेवरेट बनाता है गेम फॉर पीस को किसी के लिए भी। तो गेम फॉर पीस में ये अभी अपडेट है, यदि आप खेलना चाहते हो तो आप गेम फॉर पीस को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और वैसे यदि बात करें रेस ट्रैक का, तो भाई रेस आप खेल सकते हो इस गेम फॉर पीस के अंदर अभी फिलहाल, या कह सकते हो चेयर पार्क 3.0 के अंदर आप रेस लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं उठाता हूँ एक मिराटो और मैं आपको रेस लगा के दिखाता हूँ। तो ये रेस ट्रैक बहुत ही बड़ा है, मुझे करीब यहाँ पे 1.5 मिनट या 2 मिनट लग गया था इस रेस को पूरा करने में। और देख सकते हो आप रेस ट्रैक पे आते ही आपका रेस स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा, और ये रेस ट्रैक पे आप फुल मस्ती, मतलब पूरा भाई साहब की तरह या भाईजान की तरह आप गाड़ी चला सकते हो, कोई यहाँ पे रूल काम नहीं करता, फुल यहाँ पे आप ट्रैफिक। अबे भाई ये आगे कैसे भाग गया, तो यहाँ देख सकते हो सबको पीछे छोड़ के आप सिंपली इस रेस ट्रैक पर टिक सकते हो, और जितना जल्दी हो सके इस रेस को आप कंप्लीट करके अपना नाम लीडर बोर्ड पे दे सकते हो, मतलब जो चेयर पार्क का लीडर बोर्ड है, रेस वाला लीडर बोर्ड है, आप उस पर दे सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही कमाल का बात है। और यहाँ देख सकते हो मुझे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैंने मिराडो लिया, ये बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ लेता, ऊपर से इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो देख सकते हो ये रेस ट्रैक कितना ज़्यादा कमाल का है और कितना ज़्यादा घूमा हुआ है, मतलब गोल गोल घुमा हुआ है, तो इसे कंट्रोल, यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे फन कर सकते हो, रेस लगा सकते हो, जो कि बहुत ही कमाल की बात है, और ये मतलब आना चाहिए यार ग्लोबल वर्जन के अंदर जल्दी से जल्दी। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा चेयर पार्क 3.0 के अंदर, और 3.0 यह जो चेयर पार्क है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा आपके ग्लोबल वर्जन के अंदर भी। तो आपको अभी वेट करना है, आपको ये भी देखने को मिल जाएगा आपके ग्लोबल वर्जन के अंदर। अब ये तो रेस ट्रैक था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो जो हमारा 1v1 ग्राउंड था जहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ लड़ते थे और उसे दिखाते थे कि भाई हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर है या हमारे पास तुमसे ज़्यादा स्किल है, वो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका भी चारों तरफ से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और वो भी चेंज हो चुका है। ऊपर से यहाँ पे 2021 का लोगो लगाया गया, और यहाँ पे ग्राउंड देख ही सकते हो बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, हरा भरा ग्राउंड है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है, और हर जगह एक एक ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया गया। जैसे कि यदि आप अपने दोस्तों के साथ करोगे, मतलब कोई भी स्नाइपर प्रैक्टिस वगैरह करोगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर कवर देखने को आपको मिलेगा जिससे आप बहुत ही आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो।
अब जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है आपके ग्लाइडर से या आप क्या सकते हो आपके बैलून से, तो बैलून को भी एक साइड में कर दिया गया है। अब ये लव पार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एक साइड में है जहाँ पे जाके आप इंजॉय कर सकते हो। अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है तो हम वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे। ये जितने भी अपडेट मैंने आपको दिखाया है चेयर पार्क 3.0 से रिलेटेड बहुत ही जल्दी आपको ग्लोबल वर्जन के अंदर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1.4.0 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, 1.3 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और ये चेयर पार्क आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि भाई चेयर पार्क 3.0 कितना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन्हें भी बताइए चेयर पार्क 3.0 के बारे में। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं मोटिवेट रहूँगा आप सबके लिए ऐसे वीडियो आने के लिए। और मैं मिलूंगा आप सबको फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।